नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको न्यू ईयर 2022 के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। जैसे भी आपको सामने स्क्रीन पर पोस्टर दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल से इस प्रकार का पोस्टर बनाकर यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। तो देखिए, आपको पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सल वेव की आवश्यकता होगी, जो आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपके मॉल में पिक्सल वेव पहले से नहीं है तो आप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे आपको पहले से डाउनलोड कर रखा है। चलिए ओपन करते हैं। देखिए, जैसे ही आप अपने मॉल में पिक्सल वेव को ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको इस न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट हट चुका है। अब आपको नीचे यहाँ पर बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके फ़ोन की गैली ओपन जाएगी। गैली में आने के बाद आपको इस इमेज को चूज कर लेना है। मेरी इमेज पहले से बना कर रखी, जिससे आपको पोस्टर बनाने में बहुत ही आसानी हो। अब आपको नीचे यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। चलिए, अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को बीच से कट कर देना है और आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर KVM हेल्प लिख कर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर KVM हेल्प लिख दिया है। इस प्रकार आपको यहाँ पर KVM हेल्प लिख कर सर्च करना है। इसके बाद आपको इसी पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन चुकी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको वेबसाइट के यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 159 पोस्टर लिख कर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 159 पोस्टर लिख दिया है। इस प्रकार आपको यहाँ पर 159 पोस्टर लिख कर नीचे यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप वहाँ पर 159 पोस्टर लिख कर सर्च करोगे, आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा नए साल 2022 का पोस्टर कैसे बनाएं। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा, पोस्टर का बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेकंडें चलती दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पर सेकंडें खत्म होगी, आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर सेकंडें खत्म हुई, डाउनलोड का बटन आ चुका है। आपको इसी डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वो वाली इमेज आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए, फिर से आपको यहीं पर आ जाना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर फिर से यहीं पर आ चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ऊपर प्लस वाला आइकन दिखेगा। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स वाला आइकन दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अब न्यू टेक्स यहाँ पर ले आकर डबल टैप करना है और आपको न्यू टेक्स को हटा देना है। न्यू टेक्स को हटा देने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आप सभी देशवासियों को लिख दिया है। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख कर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर इसे ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्लू वाला कलर चूज कर लेना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू वाला कलर चूज कर लिया है और आपको यहाँ पर टिक वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर ए वी फॉन्ट का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर ए वी फॉन्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर इसका जो भी फॉन्ट रखना है उसी पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसका फॉन्ट बदल दिया है। अब आपको फिर से थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर शैडो का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर स्टॉक वाला आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसे भी आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इसमें आपको यहाँ पर बटन वाला कलर चूज कर लेना है और आपको यहाँ पर इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा देनी है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब इसे आप यहाँ पर बढ़ा करके इसे सही से रख दीजिए। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए फिर से इसी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर फ्रॉम गैली का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले आइकन पर क्लिक करना है। गैली में आने के बाद आप अपना जो भी फोटो लगाना चाहते हैं उस फोटो को चूज कर लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इस फोटो को चूज कर लिया है। अब आप अपने फोटो को इतना सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इतना सेलेक्ट कर लिया है और आप यहाँ पर नीचे टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, फोटो यहाँ पर आ चुका है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर पहले से हटा रखा है। अगर आप अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर हटाना नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आपको इसे छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। अब आपको यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखने के लिए फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है।
नीट को यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है और आपको नीट को हटा देना है। नीट को हटा देने का सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको यहाँ पर इसे ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद फिर से थोड़ा आपको आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर व्हाइट वाला कलर चूज कर लेना है और आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको थोड़ा आगे जाकर ए वी फॉन्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर से इसका फॉन्ट बदल कर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख चुका है। अब आपको इसे छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना बताया था, इस प्रकार आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया, इस प्रकार आपका पूरा पोस्टर बन जाएगा। अब आपको इसे सेव करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव टू गैली वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देखिए पोस्टर फोन की गैली में सेव का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऐसा करता हूँ, वीडियो को जरूर पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।